राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय मध्याह्न भोजन कंपटीशन का आयोजन किया गया और दो दिवसीय कुकिंग प्रतियोगिता में 26 राज्यों की 56 टीमों ने हिस्सा लेंगी और इनके बीच दो पालियों में कंपटीशन आयोजित हो रहा है। कंपटीशन का निरीक्षण करने पहुंचे संचालक एम के नायक ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य रसोइयों में पौष्टिक और साफ सुथरे वातावरण में भोजन बनाने की क्षमता विकसित किए जाने और लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों से खास बातचीत की। सत्या राजपूत ने शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। मैं यहाँ पे कुछ अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, ये कुकिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है, आप समझाना चाहेंगे? ये उद्देश्य सबसे पहली बात ये है कि समूहों को, जो रसोइया हैं, इनको एक मौका मिलना चाहिए बाहर आने का और अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और उस प्रतिभा से हम उसमें से कुछ छांट के लाएंगे। कुछ अलग अलग व्यंजन जो बनाते हैं अलग अलग एरिया में जो प्रचलित है, उसको हमारे अन्य जिले वाले जाने उसको, और उस जिले में भी उस व्यंजन का लाभ उठाएं, और उसके साथ साथ सीखने भी मिलता है। जब एक दूसरे का देखते हैं यहाँ पर, तो सीखते हैं इन लोग आपस में, और उस जो अच्छा डिश बनेगा उतने ही कुकिंग कास्ट में, तो हम उसका उपयोग हमारे मेन्यू जो बनाते हैं, साप्ताहिक मेन्यू जो होता है, उसमें हम इसका उपयोग करेंगे। अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं, कितना फायदा मिलेगा छात्रों को ये प्रतियोगिता से? देखिए, यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है उसमें दोपहर का खाना इनको दिया जाता है। यदि बनाने वाले एक्सपर्ट होंगे और उनमें एक यहाँ आने के बाद एक कॉम्पिटिटिव जो भावना होती है वो उनमें आएगी, वो बेटर सीखेंगे कि भाई ऐसे अगले बार भी प्रतियोगिता होगी तो उन्हें विन कर जीतना है, तो नया नया सीखेंगे। प्लस यहाँ आके उनको पता चलेगा कि हालांकि जानते हैं लोग कि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, जब देखेंगे कि यहाँ पे जो भी मतलब जजमेंट हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के हो रहा है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम या यहाँ से जाने के बाद अपने खाने में वो बढ़ाएंगे। पहले आपसे हम जानना ये चाहेंगे कि यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, पहले क्या ब्लॉक लेवल या जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता हुई थी? जी, ब्लॉक लेवल पे पहले हुआ, उसके बाद जिला स्तर, फिर राज्य स्तरीय पे हो रहा है। इसमें 28 जिला के, अभी वर्तमान में 26 जिला के सदस्य आए हुए हैं और सभी जिलों से दो दो टीम आई हुई है, प्रथम और द्वितीय प्रतिभागी। मगर सभी प्रतिभागियों को आज अपना अलग से, यानी सभी आज प्रथम के समान है और सब अपना बेहतर प्रदर्शन करें। आज कितने पाली में हो गए ये? दो दो जिला आए हैं तो? दो पाली में, पहले पाली में 28, फिर नेक्स्ट में जो बचे हुए 26 हैं वो होंगे। कितने दिनों का है ये प्रतियोगिता? ये दो दिन का है, 7 तारीख और 8 तारीख को है, लास्ट समापन समारोह कल है इसका। तो अभी आपने उन अधिकारियों को सुना जो यहाँ निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आयोजन के आधार पर उन बच्चों के लिए जो आयोजन रखा है, उन स्कूली बच्चों को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कटघोरा में पिछली बार भाजपा का कब्जा होने के बाद